ये हम है, ये हमारे मामा का गांव है, ये हमारी वॉकिंग चल रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, ये ब्लॉग आपको बता दूँ कब का है। ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना है, बट अभी मुझे दिख गया तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली ये मामा के रिसेप्शन के दूसरे दिन का ब्लॉग है, और मामा के रिसेप्शन से मतलब जब हम लोग फ्री हुए उसके बाद हम लोग रात भर जागे थे, हम लोग सोए ही नहीं थे उस दिन। और रात भर जाके ये टाइम हो रहा होगा 4:30 सुबह के, 4:30 बज रहे थे, और सुबह के 4:30 बजे हम लोग सब लोग वॉक करने निकले थे। मासी के बेटे मेरे, और उसके बाद मेरी मामा की बेटियाँ, और उसके बाद मेरी मासी की बेटी भी, हम सब लोगों ने अंताक्षरी खेली, पूरे रात भर अंताक्षरी खेली। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा कि अरे चाय चाहिए, तो चाय पीने हम लोग निकले थे 4:30 या 5 बजे सुबह ही, वॉक करने निकले। उसके बाद वॉक करने के बाद यहाँ पर आए हम लोग मेरे मामा के होटल में, मतलब मामा के बेटे के होटल में, सॉरी, बस स्टैंड पे उसका होटल है। और उसके होटल में ना गुड़ की चाय मिलती है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है वो चाय। इतनी टेस्टी होती है कि मैं थोड़ी देर में आपको रेसिपी भी उसकी दिखा दूंगी कि कैसे चाय बनाता है वो। और यहाँ पर हम लोग चाय पीते पीते मजाक उड़ा रहे थे एक दूसरे की। एक्चुअली मैंने ना फेस वॉश ही नहीं किया था रात भर, सब लोग फेस वॉश करके सोए थे, और मेरा मुझे इतना आलस आ रहा था, और क्या बताऊँ आपको, एक जगह पे बैठ गई थी तो बस बैठ गई थी। अंताक्षरी खेल रहे थे पूरे रात भर हम लोग, और मैंने फेस वॉश ही नहीं किया था। अभी वैसे मेकअप का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हो आप, बिल्कुल फेस ऑयली नहीं लग रहा था, और मतलब जैसा का तैसा ही मेकअप था। बट वो मेरे मासी का बेटा मुझे चिढ़ा रहा था कि इसने मेकअप ही नहीं रिमूव किया है। और यहाँ पर सब लोग, हम लोग बैठे हैं, भाई और भाभी भी है साथ में। और उसके होटल का नाम आपको बता दूँ, श्री स्वामी समर्थ उपहार गृह है उसके होटल का नाम। और हमें चाय पहली बार उसने दी ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, इसी वजह से दोबारा उसको चाय बनाने के लिए लगाई। और यहाँ पर उसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उसने ऐड किया है दूध, और दूध ना फटे, गुड़ ऐड करने के बाद दूध फट जाता है, तो दूध ना फटे इसकी वजह से उसने क्या ऐड किया है वो मैं आपको बताती हूँ, आपको कैसे कैसे पूरी रेसिपी उसने बताई है मुझे। और उसने ऐड किया है सोडा, थोड़ा सा सोडा डाल दिया है उसमें, और मतलब जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, जो पकौड़े वकोड़े तलने के टाइम हम लोग जो डालते हैं, वो वाला सोडा ऐड किया है। और बस वो ये जो दूध है वो बॉयल कर लेगा, उसके बाद वो ऐड करेगा उसमें चाय पाउडर, चाय पाउडर, और दूध को बॉईल होने देगा, उसमें फिर ऐड करेगा गुड़। गुड़ ऐसे ही वो तोड़ के डाल देता है गुड़, और उसको ना मेजरमेंट वो याद हो चुका है, इसी वजह से जितना दूध डालना है, उसके बाद ये गुड़ की भेली होती है वो डाल देता है छोटी वाली, और बस उसके बाद उसे बॉईल कर लेता है अच्छे से। और जब ये चाय बन के आती है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपको क्या बताऊँ। हम लोगों ने जब चाय पी ना उसके बाद, और हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं हमें और चाहिए चाय, तो उसको बनाने के लिए बोल दिया था। और मैंने सोचा चलो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ उसकी। मैंने उसको बोला भी, मैं बहुत बार चाय बनाने की कोशिश करती हूँ गुड़ की, बट मेरे से फट जाती है वो गुड़ की चाय। तो उसने बोला कि आप सोडा ऐड करो, उसके बाद फटेगी नहीं, और बस थोड़ी देर चला लेना है, ज़्यादा उसको पकाना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि यार बहुत ज़्यादा देर पकाना है उसे, और बस थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो जाए, और थोड़ी सी जो चाय पाउडर है उसमें चाय पाउडर का वो फ्लेवर आ जाए, बस उतने ही देर तक पकाना है उसे, बाद में कप में ले लेना है। और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी ना, आप पीते ही रह जाओगे। एक बार ज़रूर ट्राई करना है ये वाली रेसिपी, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फटी है या नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं फटेगी, और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इसका। तो इसी वजह से एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैंने सोचा चलो ये बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस रेसिपी से आपको, क्योंकि गुड़ की चाय सभी को पसंद होगी, मुझे अकेले को ही पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि सभी को गुड़ की चाय पसंद होगी, क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि आपको क्या बताओ। बट मुझे बनानी ही नहीं आती थी गुड़ की चाय, मैं क्या करती थी, पानी, चाय पाउडर और गुड़ को बॉईल कर लेती थी पहले, और उसके बाद थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही पानी ऐड करती थी, और सब चीज़ बॉईल कर लेती थी, उसके बाद दूध भी अलग से बॉईल करती थी और उसमें वो छान लेती थी। तो ऐसे मैं चाय बनाती थी गुड़ का, और वो मतलब क्या रेसिपी बन जाती थी वो मुझे भी नहीं पता है, ऐसे ही पी लेती थी मैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है गुड़ की चाय। बस दोबारा से चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और बस टाटा बाय बाय कर देंगे मामा के बेटे को और निकल जाएंगे यहाँ से। हम लोग रात भर जागे हुए थे, बट बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोगों को नींद आ रही है या कुछ भी हो रहा है, और इतना ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया उस दिन। और बस रास्ते में हमें मंदिर दिख गया था तो दर्शन वगैरह किए और निकल गए घर के लिए।
और हम लोग ना बड़े मामा के घर अंताक्षरी खेलने के लिए बैठ गए थे, तो किसी को पता नहीं था कि हम लोग अंताक्षरी रात भर खेल रहे थे। सुबह होने के बाद सबको पता चला कि हम लोग रात भर सोए ही नहीं है। फिर हम लोग गद्दे वगैरह और टेरिस पर लेके आए थे और यहाँ पर कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग अभी भी जाग रहे थे। और हमें बनाना था नाश्ता, नाश्ते में पोहा बनने वाला था, तो भाभी की पूरी हालत ख़राब हो गई थी रो रो के। यहाँ पर वो प्याज काट रही थी और आप देख सकते हो हालत ख़राब हो गई है उसकी प्याज काटते काटते। कुछ लोग हमारे में से उधर से आने के बाद, वॉक करके आने के बाद सो गए थे। और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह बनाया, तो यहाँ पर बन रहा है पोहा, ये सबके लिए पोहा बन रहा है ऊपर टेरिस पे। तो यहाँ पर भाई बना रहा है पोहा, एक्चुअली सब कुछ भाभी ने काट के दिया और फिर हम लोग यहाँ पर बना रहे थे। ऊपर सिलेंडर वगैरह सब कुछ, गैस वगैरह ला के दे दिया था हमें, और यहाँ पर हम लोगों ने पोहा बनाया, फिर सबको पोहा खाने के लिए दे दिया। और भाई के हाथ का पोहा बनेगा आज, तो यहाँ पर सब कुछ उसने डाल दिया है, मैंने जो जो बोला उसको। और फिर इतना ज़्यादा ना पलटना नहीं आता है, तो इसी वजह से भाई बना रहा था और बहुत अच्छे से टेस्टी पोहा बनाया उसने। देखो यहाँ पर बाल्टी में पोहा भिगोया हुआ था, मामा भी आ गए थे, ये भी आ गए थे फिर, और पोहा बन गया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था पोहा भी, लेकिन सब लोग सो रहे थे ना, तो किसी ने उसका फ़ायदा ही नहीं उठाया। फिर बाकी के जो भी उठ गए थे तो उनको दे दिया था मैंने, और सब ने खा भी लिया था। उसके बाद यहाँ पर बन रहा है खाना, तो यहाँ पर ना वेजिटेरियन वालों के लिए खाना बन रहा था, और नॉन वेज वाला खाना जो था तो वो खेत में था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। यहाँ पर जाने की तैयारी हो गई है, मामा एक्चुअली मामी को लेने जा रहे थे, और ये जो मेरी मासी की बेटी है वो मामा के साथ ही जा रही थी, क्योंकि वो उसी सिटी में रहती है इसी वजह से। और यहाँ पर ओवर एक्टिंग चल रही थी उनकी, मेरी बेटी की और उसकी, और बस उसके बाद यहाँ पर वो निकलने ही वाले हैं, तो उनको बाय कर देंगे और उसके बाद हम लोग खेत में जाएंगे। खेत में आज नॉन वेज वाला जो खाना है वो खेत में बनने वाला था, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो किसी ने नहाया नहीं था। और मैंने तो कपड़े भी नहीं लाए थे, क्योंकि मेरा ये था कि चलो मैं रिसेप्शन में जाऊँगी और 12-1 बजे चली आऊँगी, बट इन्होंने रोक लिया सब लोगों ने, और रोका तो फिर हम लोग सब जागते ही रह गए। अंताक्षरी खेलते खेलते ना कब रात का दिन हो गया पता ही नहीं चला यार। बस यहाँ पर जो भी जाने वाले थे उनकी भी तैयारी हो गई थी, जैसे हम लोग भी जाने वाले थे थोड़ी देर के बाद, वो भी मतलब सब कुछ तैयारी हो गई थी हमारी भी। बस खेत में से आने के बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पर मैं भाई दिखा रहा था मुझे कि उसका फ़ोन टूट गया है घर के, अब देखो उसका फ़ोन टूट गया था, क्योंकि मस्ती ही इतनी चल रही थी सबकी कि कोई कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक्चुअली जो दामाद जी है हमारे, मतलब वो जो बेटी जा रही थी मेरी मासी की, उसके हस्बैंड, उन्होंने क्या किया था कि बाल्टी भर के इसके ऊपर पानी डाल दिया था, तो उसके जेब में ये मोबाइल था, तो जेब में उसके अंदर पानी चला गया था। ये वही दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है करके। और बस यहाँ पर मामा निकल जाएंगे, उसके बाद हम खेत में निकल जाएंगे, और खेत में जो मज़ा आया ना वो आपको बताती हूँ बाद में। बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने खेत में, एक्चुअली मामा के दो खेत हैं, मतलब दो साइड में खेत है, तो इसी वजह से एक साइड में नॉनवेज चल रहा था, दूसरे साइड में फिर हम लोग मज़ा करने गए थे, मतलब ऐसे ही मज़े करने गए थे जहाँ पर पेड़ वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पर गए थे। और यहाँ पर मामा निकल चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं खेत जाने के लिए, और बस फाइनली पहुँच गए हैं खेत में। आप देख सकते हो यहाँ पर खेत में पहुँचते ही इतना बड़ा सा कुआ है और पानी भी बहुत ज़्यादा है कुएँ को। तो यहाँ पर ये है मामा का खेत, आप भी देख लीजिए। अभी यहाँ पर इतना कुछ नहीं, अभी सब कुछ निकाल दिया है, तो यहाँ पे लगाया हुआ है झूला, यहाँ पर झूला झूल रहा था अद्विक, थोड़ी देर झूला झूला अद्विक ने। उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा घर है, मतलब खेत में ही, तो घर भी आपको दिखा दूंगी बाद में। वहाँ पर ही खाना बन रहा था घर में, उसी घर में, खेत में जो घर है उसी घर में खाना बन रहा था, मतलब नॉनवेज बन रहा था। एक्चुअली शादी के बाद हमारे यहाँ पर नॉनवेज की पार्टी होती है, जैसे जो भी जेंट्स गेस्ट होते हैं या दामाद वगैरह होते हैं उनके लिए नॉनवेज की पार्टी दी जाती है, और जो जो लेडीज़ भी खाती है उनके लिए, बट ज़्यादातर हमारी इसमें लेडीज़ खाती नहीं है, बट मुझे चलता है सब कुछ, मुझे चलता है। मामा के यहाँ पे कोई नहीं लेडीज़ खाती, और मेरे घर पे भी मेरी मम्मी वगैरह नहीं खाती है, मेरी भाभी को भी चलता है, लेकिन उस दिन कुछ तो भी था इसी वजह से भाभी ने नहीं खाया था, मैंने खाया था। और बस यहाँ पर चिकन बन रहा है, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती हूँ, मीट नहीं खाती हूँ, इसी वजह से कुछ लोग चिकन खाने वाले भी थे तो मेरे साथ, तो उनके लिए चिकन बन रहा था और बाकी लोगों के लिए मटन बन रहा था, तो वो दूसरी जगह बन रहा था। वहाँ की हम लोगों ने सिचुएशन देखी, सब कुछ बन ही रहा था, तो इसी वजह से हम लोग इधर चले आए थे फिर दूसरे मामा के खेत में। तो यहाँ पर आ गए हैं हम, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने। एक्चुअली यहाँ का जो खेत है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी वगैरह है यहाँ पे इसके वाले खेत में, वहाँ पर ज़्यादा बैठने के लिए जगह नहीं थी। और ये जो है, मतलब आपको येलो येलो दिख रहा है, ये क्या है पहचान गए होंगे आप, तो ये है गेहूँ।
तो ये गेहूँ मतलब ग्रीन से लो गया था, ये निकालने के लिए आ गया था गेहूँ, इसी वजह से। मुझे इतना खेत का नॉलेज नहीं है, आप लोग जज मत करना, मुझे इतना नहीं पता है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये गेहूँ तो बहुत लोगों ने पहचान लिया होगा, वो गेहूँ है। फिर हम लोग जब अंदर गए ना, तो अंदर अमरूद के पेड़ थे और उसके बाद आम के पेड़ थे, बहुत ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने यहाँ पे। बट ज़्यादा टाइम हम लोगों को स्पेंड करने के लिए नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि खाना बन गया था और उसके बाद हमें ना जाना भी था, इसी वजह से दूसरे दिन ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए। और यहाँ पर ये जो पेड़ है, इसमें देखो आप, पैरट ने घर बना के रखे हैं और पैरट वहाँ पर रहते हैं, तो वही दिखा रही थी मेरे मामा की बेटी। पूरा बड़ा सा पेड़ है, मतलब सूखा हुआ है, बट उन्होंने पैरट ने घर बना के रखा है। और वहाँ पर आम का पेड़ है और यहाँ पर सारे अमरूद के पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। थोड़ी देर हम लोग टाइम स्पेंड किया थोड़ी देर हम लोगों ने, और फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद इनकी ना ड्यूटी थी, इसी वजह से इनकी ड्यूटी थी और इनको जाना था जल्दी, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिला। बट हम लोग जब निकल गए ना, उसके बाद फिर कोई नहीं रुका। फिर जो मेरी मासी का बेटा है, ये भी निकल गए, मासी भी निकल गई, उसके बाद मेरी मम्मी भी निकल गई मेरी भाभी और भाई को लेके। और यहाँ पर ना अमरूद पके हुए नहीं थे, तो सब लोगों ने कच्चे कच्चे अमरूद जो भी जिनको मिले वो अमरूद खाए सब लोगों ने। और आम के पेड़ को अभी तक आम नहीं आए थे, कैरी नहीं आई थी, तो इसी वजह से हम लोग सबसे ज़्यादा कैरी खाने के लिए आए थे। बट यहाँ पर अमरूद छोटे छोटे मिले और उसमें कैरी भी नहीं मिली, तो थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया था। बट हम लोगों ने यहाँ पर मज़े किए, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बैठ गए, और मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था ना, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि उधर के खेत में तो जगह ही नहीं थी ऐसे बैठने के लिए। और जो ये था, क्या बोलते हैं, घर था, उसमें बैठने का हमारा मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे बाहर खुले में बैठने का मन कर रहा था, और खुले में धूप बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर इंजॉय किया, उसके बाद हम लोग उस वाले खेत में दोबारा से चले गए खाना खाने के लिए। फिर दोबारा से गए, खाना खाया, और उसके बाद तुरंत हमें निकलना पड़ा। यहाँ पर देखो मुंह कैसे हो गया है सबके, क्योंकि नहाया ही नहीं था। बहुत ही मज़े आए उस दिन, मतलब टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पर वही बताया ना मैंने कि आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में कैरी आई देखने के लिए आए थे, बट एक भी कैरी नहीं मिली। हमारा बैड लक था, एक भी कैरी नहीं आई हुई थी इस वाले पेड़ को। पहले ना बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे मामा के खेत में, बट सारे काट दिए यार, पता नहीं अभी ये एक ही बचा था, मैंने तो ये एक ही देखा। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ये चिकन बना है, ये मेरे लिए चिकन है, उसके बाद सबके लिए मटन बना हुआ था, तो दूसरा जो पतीला आएगा, कुकर आएगा सॉरी, वो मटन का होगा। तो चलिए यहाँ पर खाना खा लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे हमारे घर जाने के लिए। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप पसंद आया होगा आपको। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।